हेलो माय टू फैमिली, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। और आज अपना रूटीन मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ, तो शाम के मेरे सारे काम हो चुके हैं और अभी मैं बना रही हूँ खाना। तो आज खाने में देखिए, मैं बना रही हूँ शिमला मिर्ची की सब्जी और साथ में रोटियाँ। तो चलिए शुरू करती हूँ वीडियो को। और यहाँ पर हम सबसे पहले तो सब्जी काट लेते हैं जो कि बनाने वाले हैं शिमला मिर्ची। पहले आपको बता दी मैंने शिमला मिर्ची बनाने वाले हैं। तो ये सब्जी ना मेरे घर में हफ्ते में करीबन दो बार या फिर एक बार ज़रूर बनती है, क्योंकि मेरे घर में है ना सभी लोगों को बहुत पसंद आती है ये वाली सब्ज़ी इसलिए। और वैसे भी ये ग्रीन सब्जी है तो बच्चों को खिलाना चाहिए और ख़ुद भी खाना चाहिए, तो इसलिए मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वीडियो। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, अगर आप उस तरीके से बना के दे एक बार खाएंगे ना, तो सच में आप ज़रूर बार बार बनाएंगे, सच में इतनी टेस्टी लगती है। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले सब्जी को काट लेते हैं। मैंने यहाँ पर 1 किलो शिमला मिर्ची ली है, तो मैंने सारी शिमला मिर्ची को काट ली है। यहाँ पर काटने के बाद फिर मैं सब्जी को छौंकती हूँ। बच्चे हैं यहाँ पर, मस्ती कर रहे हैं, तो पता नहीं कुछ बोल रहा था बाबू मम्मी, यहाँ पर सिर में कुछ लगा है ऐसा बोल रहा था। दोनों बच्चे अभी पढ़ रहे तीनों, और ये भी आज स्कूल नहीं गए हैं क्योंकि सुबह से 2 दिन हो गए इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि बारिश की वजह से बच्चे स्कूल भी नहीं पहुँचे हैं। तो आज बाबू स्कूल नहीं पहुंचा है, तो चलिए बना लेती हूँ खाना। यहाँ पर हमने सब्जी काट के रख दिया और बेटी ने जो है लहसुन प्याज हरी मिर्ची ये सब काट रही है वो भी। तो चलिए पहले मैंने सब्जी काट के रख दी और कूड़ा कचड़ा फेंक के आते हैं, तब तक जो है फिर सब्जी छौंकती हूँ। यहाँ पर हमने कचरा वचरा फेंक के आ गई हूँ और यहाँ पर हम बना रहे सब्जी। तो सब्जी में तेल मैंने डाल दिया, इसमें डाल दिया जीरा, और उसके बाद में हमने डाल दिया इसमें प्याज लहसुन। आज ये हरी मिर्ची नहीं थी तो इस वजह से हरी मिर्ची नहीं डाली, नहीं तो साथ में एक दो हरी मिर्ची भी डाल देते तो टेस्ट बढ़ जाता है इसलिए। तो चलिए जब जैसा हो ना तब तैसा करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखिए सारी मसाले डाल दिए। उसके बाद में मेरी बेटी बना रही है, उसको मैंने सब्जी रोटी बनाना सिखा दिया है। कभी भविष्य में कभी ज़रूरत पड़ जाए, बाई चांस कोई ऐसा टाइम आ जाए जो कि हम ना हो टाइम पर, तो अपने बच्चे बना के तो खा सकते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके बच्चों को सिखा दिया। बेटे को तो इतना नहीं आता, लेकिन बेटी को खासकर मैंने सिखा दिया है कि ऐसे सब्जी रोटी बनाई जाती है और इस तरीके से जो है खाना बनता है, तो मैंने थोड़ा थोड़ा उसको सिखा दिया है इसलिए। और घर में तो अगर बेटियाँ ये ना सीखें तो फिर क्या सीखेंगे, पढ़ाई के साथ साथ अगर ये भी काम करते ना तो बहुत अच्छा रहेगा। तो पढ़ाई भी करती है साथ में थोड़ा बहुत हम कुकिंग का काम भी करवा लेते हैं ताकि वो भी सीख जाए इसलिए। वैसे ये घर का काम हमें भारी नहीं लगता है, लेकिन हम बेटी को सिखाने के लिए सारे काम जो है मैं उससे थोड़ा थोड़ा करवाती रहती ताकि वो भी सीख जाए मेरे साथ साथ। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर हमने देखिए मसाले अभी भून रहे हैं, और तब तक यहाँ पर जो मसाले सूखे थे वो मैंने इसने गीले कर लिए, मतलब पानी में भिगो लिए, उसके बाद में फिर इसमें डाल दिए। अब इसको हम अच्छे से इसको जो है भून लेंगे, मतलब इसको जब तक तेल नहीं आता तब तक इसको अच्छे से भूनने के बाद फिर इसमें डालेंगे टमाटर। तो देखिए जिस तरफ हमारा जो है कैमरा लगा है उसी तरफ जो है धुआँ आ रहा है इसलिए, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा धुएँ का भाप जी दिख रही होगी। तो चलिए बना लेते हैं फटाफट से। तो अगर सच में आगे ये सब्जी बनाओगे ना तो बाकी में बच्चे भी खाएंगे, मेरे घर में सबको बहुत पसंद आती है इसलिए मैं हफ्ते में एक बार दो बार तो बनाती ज़रूर हूँ। यहाँ पर देखिए सारी मसाले अच्छे से भूनने के बाद में फिर इसमें डाल देंगे टमाटर, जो कि अभी टमाटर कटे नहीं थे, बाद में याद आया था डालने के लिए जब आधी सब्जी मतलब बनने वाली थी उसके बाद में। तो यहाँ पर फिर देखिए मैं इंडक्शन भी बंद कर दिया और मोबाइल भी बंद कर दिया था, फिर टमाटर काटे इसके बाद में अभी इसमें ऐड कर रहे हैं। अब इसको अच्छे से पका लेंगे फिर इसमें डालेंगे शिमला मिर्ची मैंने धो करके रख दिया, और मैं अभी जो थोड़े से बर्तन थे वो धो रही हूँ। मैंने कहा जब तक सब्जी छौंकेंगे ना तब तक जो बर्तन भी धो के रख दूँ, फिर बनाती हूँ फटाफट से रोटियाँ। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से इसको मसाले को भूनेंगे ताकि मसाला जल भी ना जाए और एकदम अच्छा स्मूथ मतलब अच्छा हो जाए, जैसे कि एकदम चटनी बनती ना उस टाइप में हो जाएगा ना तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर थोड़ा सा नमक डालिए ताकि टमाटर गल जाए और जल्दी से। तो
नमक डालने के बाद इसको थोड़ी देर चलाएंगे और हम साथ में बर्तन भी धोते जा रहे हैं। तो बच्चों को तो थोड़ा बहुत कुकिंग आना चाहिए, खासकर बेटियों को, तो बेटी तो पराए घर जाएगी इसलिए उसको तो थोड़ा बहुत काम आना ही चाहिए, घर का, घर गृहस्थी का। तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा थोड़ा सारा काम सिखा दिया है ताकि ज़रूरत पड़े तो अपना काम जो है कर सके, किसी से मदद ना मांग के और अपना काम जो है कर सके। इसलिए मैंने उसको थोड़ा थोड़ा सारा काम सिखा दिया। और सब्जी जब भी बनाती है वो, तब उसके पापा उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं कि आज रोशनी ने बहुत अच्छी सब्ज़ी बनाई है। आज तक मेरी कभी इसके पापा ने मेरी तारीफ़ नहीं की है, और जब वो सब्ज़ी बनाती ना तो वो ज़रूर तारीफ़ करते हैं, तो अच्छा लगता है। खैर मुझे क्या, मुझे तो उनके साथ ही रहना है, बेटी तो पराए घर जाएगी इसलिए उसकी थोड़ी सी तारीफ़ कर दो और उसका हौसला बढ़ जाता है। उसकी नहीं, मतलब किसी की अगर कोई भी काम करे ना और उसकी हम अगर थोड़ी सी तारीफ़ कर देते ना तो उसका हौसला और बढ़ जाता है, लगता है कि हाँ सच में मैं ये काम जो है कर सकते हैं। तो इसलिए बच्चों को काम करने से रोकना नहीं चाहिए और जहाँ तक हो सके वहाँ तक अच्छा काम सिखाएं और साथ में उनका थोड़ा सा हौसला भी बढ़ाते रहें ताकि वो जो है आगे बढ़े बच्चे। तो ये सब काम जो है साथ में करते रहें तो बच्चे भी जो है अपना काम मन लगा के करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैंने नहीं, बेटी ने सब्जी छौंक के और बिना पानी डाल के ऐसे ही छौंक दिया। ये शिमला मिर्ची जब भी बनाती हूँ ना, बिना पानी डाल के मैं सब्ज़ी बनाती तो बहुत अच्छी बनती है। इसमें मैंने पानी नहीं डाला, बिल्कुल ऐसे ही ढक दिया और सब्ज़ी हमारी बनी। तब तक मैं यहाँ पर जो आटा लगा लेती हूँ और फिर बनाती हूँ फटाफट से रोटियाँ। और मैंने छोटे बेटे को दे दिया, मैंने कहा थोड़ा सा काम वो भी करे। वैसे करने में मुझे कोई ज़्यादा भारी काम नहीं लगता है क्योंकि घर का ही काम करना है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा भारी काम नहीं लगता है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि साथ साथ में बच्चे अगर ये काम करते रहे ताकि उन्हें भविष्य में काम आ सके, इसलिए थोड़ा थोड़ा काम मैं उनसे जो है करवाती रहती हूँ। बड़े वाले बेटे को मैंने दे दिया उसको ककड़ी काटने के लिए। मैंने कहा तुम ककड़ी काटो, तब तक दीदी ने जो है सब्जी छौंक दी है और उसको मैंने ये काम दे दिया। वैसे पढ़ाई भी कर रहे थे तो मैंने बोला मैंने कहा थोड़ी सा काम और कर दो फिर आराम से जो है पढ़ाई करना, और उसके साथ साथ फिर तब तक मैं जो है खाना भी बना लूँगी और फिर खा जाते हैं खाने के लिए। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर आटा सटा लग गया मेरा और अब बनाते हैं फटाफट से रोटियाँ, जो कि इनमें जो है टाइम लगता है, इसलिए सब्जी हमारी बन रही है तब तक हम बनाते हैं जल्दी जल्दी से रोटियाँ ताकि शाम का खाना मेरा जो है जल्दी से बन जाए। यहाँ पर हम बीच बीच में सब्जी भी चलाते जाते हैं ताकि सब्जी चले ना, और बीच बीच में ज़रूर चलाते रहेगा नहीं तो ये सब्जी जो है जलने का डर रहेगा। तो मतलब ये ना पानी नहीं डाला ना तो चिपक जाएगी नीचे, इसलिए बीच बीच में इसको चलाते रहिए और साथ साथ में और दूसरा भी काम करते रहिए, तो इस तरीके से खाना बनकर तैयार हो जाएगा। तो बनाती हूँ फटाफट से रोटियाँ। और मैंने अभी है ना आटा थोड़ा सा गीला गीला लगाया, और गीले आटे की अगर रोटियाँ बनाऊँगी ना तो इतनी नरम इतनी सॉफ्ट रोटियाँ बनती हैं कि मैं क्या बताऊँ दोस्तों, सच में बहुत अच्छी रोटियाँ लगती हैं। और आप खुद ही देख लेना, सच में इतनी मतलब अच्छी बनती है, एकदम फूली फूली रोटियाँ। जो अभी मैंने आटा लगाया ना, इतना अच्छा आटा लगा है कि यहाँ पर एक भी रोटी ऐसी नहीं थी जो ना फूली हो, लास्ट की एक रोटी थी जो नहीं फूली थी, बाकी सारी रोटियाँ मेरी जो है फूली थी, इतनी अच्छा मतलब आटा लग गया था। थोड़ा सा ताकत लगा के अगर आटा लगाऊंगी ना तो बहुत अच्छा लग जाता है। रेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम आधा घंटा एक घंटा पहले लगा के रख दें तभी हम रोटियां बनाएं, अगर तुरंत लगा रहे हैं ना तब भी रोटियां अच्छी बनेगी क्योंकि उसको थोड़ा सा अच्छे से मसल लीजिए फिर उसकी रोटियां बनाइए तो बहुत अच्छी बनती है, एकदम सॉफ्ट रोटियां बनती हैं। गीला लगाइए ताकि मतलब इतना गीला भी नहीं और ज़्यादा टाइट भी नहीं, एकदम मीडियम साइज का होना चाहिए ताकि रोटियां अच्छी बने। ज़्यादा गीला लगाएंगे ना तो उसमें परोथन ज़्यादा लगेगा, अगर ज़्यादा सख्त आटा लगाएंगे तो उसमें थोड़ी सी रोटियाँ कड़क होने लगेंगी, इसलिए थोड़ा सा नरम लगाएगी। यहाँ पर देखिए
रोटियां हमने जो है बना ली, और उसके बाद में फिर एक दो और रह गई थी, मैंने कहा इनको भी झटपट से बनाती हूँ और फिर जो खाती हूँ हम सब खाना। और पहले तो आप सभी के लिए मैं थाली लगा दूँगी, तो देख लेना सच में बहुत अच्छी बनी। इसके साथ पराठे भी खा सकते हैं, लेकिन हम जो सुबह पराठे बनाते हैं इसलिए फिर हम शाम को नहीं बनाते हैं, मैंने कहा दोनों छाक जो ऑयल अच्छा नहीं लगता है इसलिए, तो इसलिए मैं ना एक टाइम बनाती हूँ पराठे और एक टाइम जो है रोटियाँ बनाती हूँ। कभी कभी मन होता है तो फिर कुछ और बन जाता है, पूड़ियाँ वगैरह। वैसे पूड़ियाँ बहुत कम खाते हैं, वैसे त्यौहार को ही खा के ऐसा मतलब जी हो जाता है कि दोबारा खाने का मन नहीं करता है, तो इसलिए बार बार नहीं खाते। चलिए यहाँ पर हमारी देखिए बातें करते करते रोटियाँ भी हमारी बन चुकी हैं, और आज का जो मेरा रूटीन है आप सभी के साथ हमने शेयर कर दिया है। तो प्लीज़ दोस्तों, वैसे मेरा झाड़ू पोछा का नहीं है आज, मैंने सिर्फ खाना खाने का दिखाया है, तो बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आप सभी को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इसमें मैंने कुछ थोड़ी सी बातें अगर बताई हैं, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। थोड़ी बहुत अगर ऐसी हो भी सकती जो कि ना बोलना चाहे वो भी मुँह से जो है निकल गई, तो उसके लिए मैं आप सभी से सॉरी माफ़ी चाहती हूँ। अगर आप सभी को किसी को दिल को ठेस पहुँचे तो ऐसी शायद मैंने कोई बात करी नहीं, अगर करी भी होगी तो माफ़ी चाहती हूँ। यहाँ पर हमने खाना वाना लगा देती हूँ, देखिए आप सभी के लिए मैं थाली लगा रही हूँ। पर देखिए बेटे ने ककड़ी काटी और उसने बड़े मतलब अच्छे से काटता है, वो जब भी काम करता है ना तो बहुत अच्छे से करता है, धीरे धीरे करता है लेकिन सफाई वाला काम करता है। ककड़ी यहाँ उसने बहुत अच्छे से काटी, एकदम प्यारी प्यारी ककड़ी, एकदम पतली ना मोटी। तो चलिए दोस्तों यहीं पर आज का वीडियो एंड करती हूँ, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ले जी हमारे प्यारे दोस्तों थाली लग चुकी है,